सुप्रभातम बच्चों, पुनः पहले की तरह कक्षा 8 में संस्कृत रुचिरा लेकर के पुनः उपस्थित हुए हैं। और संस्कृत रुचिरा में जो है वह द्वादश पाठ है। द्वादश का अर्थ होता है 12, 12वां पाठ है और इसको हम लोग पढ़ेंगे। और पाठ का जो नाम है वह है कह रक्षति कह रक्षिता। कह रक्षति कौन रक्षा करता है, हाँ, तो कहने का मतलब जो किस प्रकार से हम लोगों का अपना रक्षा करना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, उसी के बारे में इस पाठ में इसे समर्पित किया गया है। जो इस प्रकार है, जो प्रस्तुत पाठ पर्यावरण पर केंद्रित है। ये पाठ जो है पर्यावरण पर आधारित है। पर्यावरण का अर्थ होता है जो स्वच्छता, यानी हम लोग अपने आसपास के जो भी जगह हैं उन सारे जगहों को हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। हमारे जीवन में प्लास्टिक का इस सीमा तक प्रवेश हो चुका है कि हम इसके बिना दैनिक जीवन चलाने की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। कह रहे हैं कि हम प्लास्टिक का इतना हम लोग यूज़ कर चुके हैं जो हमारा जो दैनिक जीवन है उनको चलाने में हम लोगों को परेशानी हो रही है। जबकि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए घातक माना जाता है। और प्लास्टिक क्या होता है, हमारे लिए पर्यावरण के लिए पूर्ण रूपेण घातक माना जाता है। प्लास्टिक के बढ़ते हुए उपयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इस पाठ में पर्यावरण तथा प्रदूषण की समस्या के प्रति संवेदनशील समझकर विकसित करने का प्रयास किया गया है। अब कह रहे हैं क्या, जो प्लास्टिक और का जो हम लोग इतना उपयोग करते हैं तो प्लास्टिक से हमें पर्यावरण और प्रदूषण ये दोनों अधिक फैल जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या करनी चाहिए, प्लास्टिक हमें सुख प्रदान तो करता है, जितने सारे सामान हैं, वस्तुएं हैं, उन सारे चीज़ों को हम लोग आसानी पूर्वक प्लास्टिक के माध्यम से ले आते हैं। लेकिन वह जितना हमारे लिए सुखद है वह उतना ही हमारे लिए दुखद भी है, क्योंकि पर्यावरण को और प्रदूषण भी ये प्रदान करती है जो हमारे लिए हितकारी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आपस में ये वार्तालाप के क्रम में यहाँ पर बताया गया है। और इस पाठ का जो हम लोग पाठानुवाद हम लोग समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और बोल देते हैं। तो इसमें जैसे परमिंदर है, परमिंदर और रिपंची, तो पहले रिपंची बोल यहाँ पर बोल रहा है क्या, रिपंची परमिंदर परमिंदर यहाँ आओ बगीचे में प्रवेश करते हैं। अब कह रहे हैं रिमांची क्या, जो परमिंदर तुम क्या करो, तो इस बगीचे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। परमिंदरा, अरे उपवनस द्वारे एव प्लास्टिक प्लास्टिक स्यूतकानी छिपंती इतस्ततः विकीर्णानी। अब कह रहे हैं क्या, देखो अरे बगीचे के दरवाजे पर ये कितने फेंके हुए प्लास्टिक हैं जो कि इधर उधर बिखरी पड़ी हुई है। फिर कचनार, कचनार कह रहे हैं क्या, जनाः प्रसादं कुर्वन्ति प्लास्टिक पुटकेषु खाद्य वस्तूनि गृहीत्वा भक्षयन्ति परं तानि पुटकानि मार्गेन यत्र कुत्रापि क्षिपन्ति। अब कह रहे हैं क्या, लोग प्रसाद प्रसाद खाते हैं करते हैं तो प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य वस्तुएं लेकर खाते हैं, परंतु उन थैलियों पौचों को रास्ते में जहां तहां हम लोग क्या करते हैं, उसको बिखेर देते हैं, फेंक देते हैं। इस प्रकार रोजलिन महती इयम समस्याम अपि प्रविशाम, इसीलिए हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। यह समस्या है, क्या हम इस समस्याओं में प्रवेश कर सकते हैं, इसका हम लोग निवारण कर सकते हैं। अस्तु प्रविशाम, कह रहे हैं क्या, अच्छा प्रवेश करते हैं। इस प्रकार जो हम लोग बगीचे में गए तो वहाँ पर जो जितने सारे प्लास्टिक की थैलियाँ हैं जो कुछ भी हैं वे बिखरे पड़े हुए थे, तो
वे कह रहे हैं कि अब हम लोग क्या करते हैं, बिखरे पड़े हैं, फिर भी हम लोग इस बगीचे में क्या करते हैं तो प्रवेश करते हैं। सर्वम उपवने प्रविशन्ति, सभी क्या करते हैं उपवन में प्रवेश करते हैं। कुत्र उपविशामः, हम लोग कह रहे हैं कि हम कहाँ बैठेंगे, यानी हर जगह जो प्लास्टिक के सामान बिखरे पड़े हुए हैं, इसीलिए हम लोगों को कहाँ बैठना चाहिए, किस जगह बैठना चाहिए। अस्मिन काष्ट पीठे उपविशाम, कह रहे हैं क्या जो हम लोग क्या करते हैं इस लकड़ी की बेंच पर बैठते हैं। ये जो यहाँ पर जो उपवन में जो बेंच लगे हुए थे लकड़ी के, तो उस बेंच पर हम लोग क्या करते हैं बैठ जाते हैं। इसके बाद सर्वम उपविशन्ति, सभी क्या करते हैं उस लकड़ी से जो बने हुए बेंच थे उस बेंच को पर सभी बैठ जाते हैं। रिपंची अपि पश्यत वयो यत्रोपविष्ठा तत्र कानि वस्तूनि सन्ति, क्या तुम सब देख रही हो जो हम जहाँ बैठे हैं वहाँ कौन सी वस्तुएँ हैं। अब कह रहे हैं कि हम लोग जो बेंच पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी कौन कौन सी वस्तुएँ यहाँ पर बिछाई हुई है, छिटा हुआ है, उसको तुम लोग देख रहे हो। परमिंदर, फिर परमिंदर कह रहा है जो आम आम हाँ हाँ बहूनी वस्तूनी परितो विकीर्णानी, कह रहे हैं क्या बहुत वस्तुएं चारों तरफ फैली पड़ी है। अब हम लोग जो देखे हैं जहाँ पर हम लोग भी बैठे हुए हैं, तो बैठने की जगह पर जो है चारों तरफ से बहुत अनेक प्रकार के वस्तुएं फैली हुई है, छिटी हुई है। फिर कसनार यथा स्यूता जलकूपी कंदुकम इत्यादिनिम, कह रहे हैं क्या जैसे थैलियाँ पानी की बोतल गेंद आदि ये सारे सामान जो हैं इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। इस प्रकार रोजलिन, रोजलिन अब करे क्या ये देखो हला आत्मानमपि पश्यत सखी अपना भी देखो, कह रहे हैं क्या हे सखी तुम क्या करो तो हम लोग अपने आप को भी देखते हैं। चिन्नमना आम आम हाँ हाँ पश्याम ये देख रहा हूँ मम सविधे संकनकम कुंडलम केशबंधम घटी पट्टिका कंगलम इत्यादिनम सर्वाणि विराजयन्ते किमपि यतिष्ठ कामा, अब कर रहे हैं क्या हाँ हाँ मेरे पास कंधा कंडल हेयर बैंड घड़ी का पट्टा कंगन आदि सभी स्थित हैं, क्या कहना चाहती हो। कह रहे हैं कि ये सारी वस्तुएं जो हैं ये हमारे पास विद्यमान हैं, तो तुम्हारा क्या कहना है इस पे। रिपंची का कहना है जो इदम ध्यातव्यम यत इदानीं सर्वाणि वस्तूनि प्रायः प्लास्टिकेन निर्मितानि सन्ति, कह रहे हैं क्या यह ध्यान देना चाहिए कि ये सारी वस्तुएं जो हैं अक्सर प्लास्टिक से ही बनती है। अब कह रहे हैं क्या हम लोगों को अपने आप में ध्यान रखना चाहिए, जितने सारी वस्तुएं हम लोग यूज करते हैं ये सारे वस्तुएं जो हैं ये प्लास्टिक से ही बने हुए हैं। कचनार पूर्वम तु प्रायः कपास कर्पासेन चर्मला लोहेन लाक्षिया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म, अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि परितः विकीर्णानि सन्ति एतानि अल्पमूल्यानि अपि सन्ति। अब कह रहे हैं क्या पहले तो अक्सर कपास में कपास से चमड़े से लोहे से लाख से मिट्टी से या लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही मिलती थी, अब उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी वस्तुएं चारों ओर बिखरी हुई है, ये कम कीमत में हम लोगों को क्या होता है प्राप्त हो जाता है, इसका जो कीमत है बहुत ही कम है अल्प है, इसलिए लोग इसका प्रयोग अधिक करने लग गए हैं। चेमन्ना ओहो कलमस्तु विस्तृतम कोऽपि एतत् अनुमातुं शक्नोति यत् एकस्मिन् कलमे कति
मसीहस्थिया प्रयुज्यते। कह रहे हैं कि अरे कलम को तो भूल ही गई। कोई यह अनुमान कर सकता है कि एक कलम पेन में कितने रिफिल प्रयोग में लाए जाते हैं? हम लोग जो लिखने का जो काम करते हैं कलम से, तो उस कलम के अंतर्गत अनेक सारे रिफिलें लगाई जाती है। कितने एक बच्चे जो हैं अनेक रिफिलों का यूज़ कर लेते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर में तो भूल ही गए थे। कचनार भवतु बहुल्यं प्रयुज्यं प्लास्टिकस्य दुर्मिकानः घातनान् परिणामान् वयं न द्रष्टुं शक्नुमः। प्लास्टिकं कदापि नो गलति नो च अपधीयते यथा अन्यानि वस्तूनि विनश्य मूर्तिकां विलीयन्ते। अब कह रहे हैं क्या अनुमान है कि प्रत्येक छात्रा प्रति सप्ताह अपनी कलम में एक रिफिल डालती है, तत्पश्चात यह है कि एक ही वर्ष में वह कम से कम 50 रिफिल प्रयोग में लाती है। चिमन चेनमना प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया भावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। इस प्रकार क्या होता है, परंतु यह क्या हम इस वर्ष में एक ही कलम का प्रयोग करते हैं? रिपंची एकेन पदार्थेन अपरः पदार्थम सृज्यते। कह रहे हैं क्या नहीं, वर्ष में तो प्रायः अनेक कलम विलुप्त हो जाती हैं। परमिंदर अत्र विषादेन किं सर्वप्रथमं तु शिक्षकानां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाम्। अस्माकं प्रयासो अपि पर्यावरणस्य रक्षन्ते अपेक्षितः। कह रहे हैं क्या हम लोग क्या कर लेते हैं, तो अपने शिक्षकों के साथ मिल करके सहयोग करके क्या करेंगे, तो प्लास्टिक से जितने सारे भी मिलाए हुए हैं उन सारे का प्रयोग हम लोग पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए इनसे हम लोगों को मुक्त होना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार बच्चों पुनः अब क्या करो, तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है उसको भी हम डील कर देते हैं। देख लो वस्तुनी है प्रथमा द्वितीया और बहुवचनम है, इसका प्लास्टिकेन है तृतीया एकवचनम है, विकीर्णानी है प्रथमा और द्वितीया बहुवचनम है, इसके बाद मसीयस्थिया तृतीया और एकवचन है, स्यूतकेशु सप्तमी और बहुवचनम है, काष्ठपीठे सप्तमी और एकवचनम है, और पृथिव्याम सप्तमी और एकवचनम है। इस प्रकार फिर एक पदेन उत्तर दिया हुआ है क में लिखो प्लास्टिकेन, ख में लिखो प्लास्टिक स्यूतकानी, इसके बाद ग नंबर में है प्लास्टिक कम, इसके बाद है पर्यावरणस्य, ग नंबर में पर्यावरणस्य। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं जो प्रश्नानाम उत्तरानी लिखत अव चेनम्या सविधो कंगनतम कुंडलम केशबंध घट्टी पटिका कंगनम इति वस्तूनि आसीन। इसके बाद है दूसरा नंबर प्रायः पूर्वः कापार्सेन चर्मणा लोहेन लाक्ष्या मृत्युकाया काष्ठकेन वा पदार्थेन निर्मितानि वस्तूनि प्राप्तयन्ते स्म। इसके बाद गौ नंबर में आ जाता है जो प्लास्टिक निर्मितानि सर्वाणि वस्तूनि पर्यावरण सुदृश्यन्ति। इसके बाद घ नंबर में हो जाता है प्लास्टिकस्य मृत्तिकानां
लायाभावात् पर्यावरणस्य क्षति भवति। इस प्रकार पुनः हम लोग 5 नंबर में देखते हैं जो कुर्मह दिया हुआ है, क्री लट्लकार उत्तम बहुवचनम। इसके बाद कृणाति है, क्री लट्लकार प्रथम एकवचनम। पश्य है, दृश्य लोट मध्यम और एकवचनम है। आगच्छ आजुर्गम लोट मध्यम और एकवचन है। प्रचलिष्यति प्रजुर्चल और लिट्लाकार प्रथम पुरुष और एकवचन है। इसके बाद यहाँ पर मंजूषा में अंकों का नाम दिया हुआ है, जैसे 67 को लिखेंगे सप्तषष्ठी। इसके बाद है 98 को लिखेंगे अष्टानवती। 54 को लिखेंगे चतुःपञ्चाशत्। 94 को लिखेंगे चतुर्नतवती। इसके बाद 86 को लिखेंगे सतशीती। 72 को हम लोग लिखते हैं द्वादश सप्तति। इसके बाद 75 को लिखते हैं पंच सप्तशती। इसी प्रकार बच्चों इसका क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो चुका है। पुनः फिर हम आगे क्लास लेकर के आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। तब तक क्या कहते हैं, इसके बाद जो क्लास की जो आगे होगा वह द्वादश पाठ होगा। और थैंक यू बच्चों।